हेलो दोस्तों दोस्तों निफ्टी 18,000 को आज पहली बार क्रॉस कर गई। तो काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इतना ऊपर ले गए हैं, और साथ में फिर हम बात करेंगे कि एज अ इन्वेस्टर अब आपको आने वाले टाइम में क्या चीज़ें करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इतने ऊपर मार्केट कैसे बढ़ रही है, क्यों लगातार मार्केट ऊपर जा रही है, तो उसके तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है लिक्विडिटी, जो आपने देखा है, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जैसे ही COVID-19 की वो सिचुएशन हुई थी कि लॉकडाउन लगने लगे थे, तो बहुत सारी कंट्रीज ने जो मनी है वो बहुत ज्यादा प्रिंट करनी शुरू कर दी थी। उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ गई है। यूएस की मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी आ गई है, और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए यूएस के लोग अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। उस कंट्री में से एक कंट्री इंडिया भी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है। दूसरा रीजन है दोस्तों इंटरेस्ट रेट, जो इंडिया में काफी कम हो चुके हैं। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे बैंक एफडी हो गए या और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर कोई भी इनकम नहीं हो रही है। तो वो लोग जो अभी तक इन्वेस्ट कर रहे थे उन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इंडिया में, वो लोग भी अब धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है इंडिया की स्टॉक मार्केट में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये इंडिया में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से मार्केट पे भी इफेक्ट आने लगा है। रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से भी मार्केट ऊपर जाने लगी है। अब दोस्तों ये दो रीजन अगर कभी भी मार्केट में रहते हैं तो किसी भी वक्त मार्केट बहुत ज्यादा गिरने की चांसेस हो जाती है। जैसे कि हमने यूएस की मार्केट में अभी देखा है, यूएस की मार्केट में अगर हम नैसडेक 100 की बात करते हैं, 1000 पॉइंट्स वो गिर चुकी है पिछले एक महीने में। लेकिन दोस्तों जो तीसरा फैक्टर है जो इंडिया की मार्केट को, निफ्टी 50 को इतना ऊपर लेकर गया है, वो है अर्निंग ग्रोथ। इंडिया में जो कंपनीज हैं उनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आपको दिखाया था कि निफ्टी 50 का जो पीई है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो यानी कि जो ग्रोथ हो रही है हमारे शेयर्स के प्राइजेस में जो निफ्टी में, उसके साथ साथ जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग भी ग्रो हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स से काफ़ी कंपनीज ने अपनी कॉस्ट कम कर ली है। उसके अलावा जो डिमांड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, अभी तो हमें पता ही होगा प्री कोविड लेवल से भी ऊपर डिमांड अब आ चुकी है। तो उस वजह से जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग बहुत अच्छी हो चुकी है, इस वजह से भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और ये एक बहुत पॉजिटिव बात होती है हमेशा से किसी भी इकॉनमी के लिए कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उसके साथ साथ अगर कंपनीज के प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं बढ़ रही है, तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होती है किसी भी मार्केट के लिए। अब दोस्तों बात आती है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको अभी आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज मैं आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूं, जब निफ्टी 13,000 पे गई थी तब से मैं ये चीज आपको बोलते हुए आ रहा हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो 8-10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको इतने हाई लेवल्स देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। दोस्तों 13,000 जब मार्केट गई थी तो भी यही हाल था जो आज है, लोग घबराने लगे थे, पैनिक करने लगे थे कि क्या अब उनको सारा अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए जिन लोगों ने 13,000 निफ्टी पे अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, आज उनको कितना बड़ी रैली उन्होंने निफ्टी की मिस कर दी होगी। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी भी मैं आपको वही बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको जितनी SIP चल रही है उतनी ही चलानी है, ना आपको SIP पॉज करनी है, ना आपको SIP बढ़ानी है, आपको जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना है। ये लेवल्स दोस्तों जब आप 8-10 सालों बाद देखेंगे, ये लेवल्स भी मुझे लगता है कि आपको छोटे लगने लगेंगे निफ्टी के। जैसे कि आज एक साल पहले ही हमने देखा था निफ्टी 13,000 पे पहुंची थी, तब भी लोगों को बहुत बड़ा लेवल लग रहा था कि 13,000 पे निफ्टी आ गई, अब क्या करें। अगर अब आप देखेंगे 18,000 पे निफ्टी देखते ही देखते पहुंच गई है, तो आपको सबसे अच्छा काम यही करना है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है वो लोग जो लमसम लेकर अभी बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना लमसम पैसा लगाएं, तो दोस्तों मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलते हुए आया हूँ कि इस मार्केट कंडीशन में बेटर है कि आप अपना सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। अगर मार्केट थोड़ी बहुत भी करेक्ट होती है तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए, अपना जो पैसा है उसको एवरेज आउट करने के लिए।
लिए। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसमें दो तीन स्ट्रेटेजी अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। या तो आप अपना जितना भी लमसम है उसके 5% की SIP शुरू करा दीजिए आज, या फिर आप जितना भी पैसा है उसका 20% की इंस्टॉलमेंट में अभी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दीजिए। लेकिन सारा पैसा एक साथ अभी डालने की ये सिचुएशन नहीं है। आप अवॉइड करें कि अभी आप सारा पैसा डाल दें। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट की ये रैली मिस कर चुके हैं, तो उनको थोड़ी अब एक्साइटमेंट हो रही है कि शायद वो अगर इस वक्त लमसम सारा पैसा डाल दें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट कर दें। कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनीज में, फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या सभी इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना जरूरी है? नहीं। जो इन्वेस्टर्स अभी रिसेंट में जिनका गोल आने वाला है, जिनका 4-6 महीने में गोल आने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट आप अपना पार्टली प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छे लेवल्स में निफ्टी पहुँच चुका है, तो अगर आपको 4-6 महीने में अपना पैसा चाहिए तो पार्टली प्रॉफिट अपना बुक करके या तो आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या किसी लिक्विड फंड में डालकर छोड़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वो इन्वेस्टर्स जो अभी तक अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने का। पोर्टफोलियो भी दोस्तों दो तरीके से आप रीबैलेंस कर सकते हैं। एक तो आप विद इन इक्विटी कैटेगरी आपको रीबैलेंस करना होता है पोर्टफोलियो। उसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है, अब आपको लगता है आपका रिस्क एपेटाइट स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां से आप पैसा निकाल के लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि काफी अच्छे लेवल्स में मार्केट है। वहीं दोस्तों दूसरी रीबैलेंसिंग होती है कि कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट इतनी ऊपर चली जाती है तो आपका इक्विटी में जो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर आप इक्विटी से अपनी एलोकेशन कम करके थोड़ा प्रॉफिट बुक करके डेट इंस्ट्रूमेंट में भी अपना एलोकेशन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। तीसरा दोस्तों, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है जो किसी खराब म्यूचुअल फंड में अभी फंसे हुए हैं, जो म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पा रहे 3-4 सालों से लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था वो निकलने का, तो ये एक बहुत अच्छे मौके होते हैं मार्केट में क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे बुरे से बुरा म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इस टाइम पे अगर आप मार्केट में प्रॉफिट बुक करेंगे और इस शिफ्ट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड से, तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों एंड में मैं आपको फिर से यही बोलूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मार्केट सिचुएशन से अपने डिसीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको, मुझे लगता है, ये लेवल्स भी बहुत छोटे लगने लगेंगे। मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।